26 मई किसान आंदोलन के 6 माह और किसानों का लंबा संघर्ष और जिसके नेतृत्व में संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में जो एक आंदोलन है, साझा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, तमाम जगह किसान आंदोलनरत हैं और 26 मई को किसानों ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है और उसमें आह्वान किया गया है कि सभी लोग जो किसान हैं या किसान से किसी तरह से जुड़े हैं, सब अपने घरों पर गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर, तमाम जगह पर काले झंडे लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ साथ में अपने गांव में इकट्ठा होंगे गांव के चौराहे पे और सरकार का पुतला दहन करेंगे। इस तरह का फैसला संयुक्त मोर्चा की बैठक में लिया गया है जिसमें टिकैत साहब भी शामिल थे। आज इसी पर जो है टिकैत साहब देश के किसानों और किसानों के संपर्क में रहने वाले जो भी लोग हैं, जो अन्न का उपयोग करते हैं, उनको आह्वान करने वाले हैं राकेश टिकैत जी। तो 26 मई काला दिवस, किस तरह से ये काला दिवस मनाया जाएगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को, उस पर आपकी किसानों से या जो भी किसानों से जुड़े हैं उनसे आप देश के नागरिकों से क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे ये है कि 26 तारीख को पूरा 6 महीने हो जाएंगे और सरकार को 7 साल हो जाएंगे 26 तारीख को ही, सरकार बात नहीं मान रही है। 6 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गए, दिल्ली को बहुत बॉर्डरों से घेर कर रखा है, सरकार नहीं बात मानेगी तो ये निर्णय संयुक्त मोर्चे ने लिया कि ब्लैक डे मनाएंगे 26 तारीख का, काला दिवस मनाएंगे, काले झंडे अपने घरों पर लगाएंगे, अपनी गाड़ियों पर लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे और 10-11 बजे के आसपास सुबह किसी भी टाइम जिसको टाइम मिले वो अपने गांव में, अपने चौराहे पे, अपने शहर में कहीं पे भी सरकार का पुतला दहन करेगा, ये निर्णय वहां पे लिया गया है। क्योंकि सरकार बात नहीं मान रही, कोरोना काल है, बड़ा प्रोग्राम दूसरा नहीं कर रहे, इसलिए ये है कि 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे तो काला दिवस मनाया जाएगा। तो ये किसानों के गुस्से का इजहार है कि जिस तरह से सरकार बात नहीं मान रही, पहले आप कहते थे कि सरकार मिल नहीं रही और अब तो सरकार बोल भी नहीं रही, मिलने के साथ साथ सरकार कहीं बोल देती थी, मिल भी नहीं रही, तो इस तरह के सांकेतिक विरोध से आप मानते हैं कि सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ, तो बिल्कुल दबाव बनेगा, ये जाएगा, आम लोगों को पता चलेगा, तो ये बिल्कुल दबाव बनेगा। एक आंदोलन करने का ये भी एक तरीका है, तो अलग अलग तरीके इस आंदोलन में अपनाए जा रहे, तो ब्लैक डे का भी एक आंदोलन का तरीका है और उस आंदोलन के तरीके को हम अख्तियार करेंगे, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमेशा बहुत सशक्त अपील करते हैं, तो इस बारे में भी आपने किसानों से क्या अपील की है, किस तरह से लोगों को संदेश भेजा है, क्या तरीका किसान संगठन अपना रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत लिटरेचर भी भेजा जा रहा, तमाम पोस्टर भी भेजे जा रहे, तो अब किसानों से किस तरह की अपील है और आगे आंदोलन को किस तरह ले जाना चाहते हैं आप? आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, चलता रहेगा, आंदोलन लंबा चलेगा, तो किसान उसकी तैयारी जरूर करे, अपने खेत पे जैसे ध्यान देता है उसी तरह का ध्यान अपने आंदोलन पर दे। जो पोस्टर भेजे जा रहे हैं उनको पढ़े, जो गाइडलाइंस है उसको पढ़े और शांतिपूर्ण तरीके से जो जहां पे है वहीं पे प्रदर्शन करे, वो इसका हिस्सा बने आंदोलन का, और जब ही सरकारों तक ये मैसेज जाएगा। कोरोना का कोहराम, किसानों को सरकारें और मीडिया मिलकर कर रही हैं बदनाम। एक सूची जारी की है हरियाणा सरकार ने कि देखिए किसान आंदोलन से आते हैं और गांव-गांव में कोरोना फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना के केस आज तक किसी बॉर्डर पे आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिले हैं। अगर किसी किसान को हार्ट अटैक भी आता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो जबरदस्ती उसको कोरोना का मरीज साबित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी घटना 2 दिन पहले भी सोनीपत के हॉस्पिटल में हुई है,
जिनको कोरोना बताते हैं उनका पोस्टमार्टम देश में होता नहीं है, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ फिर भी मीडिया उनको कोरोना बता रही है। तो ये सरकार के साथ मिलकर जो है एक बड़ा अभियान किसान आंदोलन को बदनाम करने का है। टिकैत साहब, आप इससे कैसे निपटेंगे? इससे निपटेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से निपटेंगे, और अपने लोग समझदार हैं, गांव में जो प्रचार होता है वो प्रचार पूर्ण रूप से झूठा प्रचार होता है। कोरोना का उद्गम स्थल ये आंदोलन नहीं है, ये तो कॉलोनियां हैं, ये तो घर हैं, पूर्ण रूप से ये घर है अपने और ये ना खाली होंगे। ये जिस तरह से मीडिया प्रचार कर रही है, जिस तरह से सरकारें उनके माध्यम से प्रचार करवा रही हैं कि किसान चला जाए, अगर कोरोना काल में देश में कानून आ सकते हैं तो कोरोना काल में ही देश में से कानून खत्म भी हो सकते हैं। अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो आप कानून को वापसी ले लो, MSP पे कानून बनाओ, उसकी घोषणा करो। देश में अगर कोरोना है, कोई बीमारी है, तो उसके नाम पे आप हॉस्पिटल, ऑक्सीजन हॉस्पिटल का आप वो करो। गांवों में हॉस्पिटल बने हुए हैं, उनकी बिल्डिंगें बने हुई हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। सरकारों को पहले ध्यान देना चाहिए कि बीमार कोई आदमी है तो उसको अस्पताल मिले। किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, बीमार आदमी का रास्ता हॉस्पिटल जाता है, तो दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, कोई भ्रम की स्थिति में ना रहे। बीमार कोई होगा तो अस्पताल जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी है। और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है, इसका समाधान पार्लियामेंट से होगा। तो इन अफवाहों पर ध्यान ना दे, सरकार है बदनाम करने की कोशिश करेगी, ये भी एक सरकार का षड्यंत्र है, उससे बचना है हमको। देखिए, कई दिनों से खबरें छप रही हैं कि गंगा में शव आ रहे हैं, और दुख का विषय ये है कि संस्कृति के अनुसार जो है अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बहुत मतलब एकदम मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई कि पुलिस के कुछ लोगों ने एक आदमी को टायर में डाल के जला दिया। दूसरी एक तस्वीर सामने आई कि गंगा के किनारे सब को रेत के नीचे दाब दिया गया, और जैसे ही हल्की सी बारिश हुई में सब बोड़ी ऊपर आ गई। इस तरह का कहर देश में है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, इंतजाम को तैयार नहीं है, केवल सरकार को किसानों को बदनाम करना है। आपके पीछे जो झोपड़ी है, इस तरह की साइड में झोपड़ी है, तमाम अलग अलग टेंट घर जैसे लोगों ने बना के और बड़े डिस्टेंस के साथ रह रहे हैं, कुछ परिवार भी रह रहे हैं, तो तमाम एहतियात यहाँ पे बरती जा रही, फिर भी किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा। तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो कर रही है उस पर आपका क्या कहना है? सरकार को तो ये है कि आंदोलन से किसान अपने घर चले जाए, लोग मरे जीवे खुशी हो, उससे ना कोरोना का कोई मतलब है, ना इनकी गिनती हो रही कितने लोगों की डेथ हो रही। यहाँ तो लोग सुरक्षित महसूस मानते हैं अपने आप को, यहाँ पे सैनिटाइजर का छिड़काव होता है, यहाँ पे जो फोगिंग होती है वो होती है हर रोज, तो यहाँ पे बीमारियां नहीं है। बीमारी तो गाँव में होगी, शहर में होगी, कॉलोनी में होगी, उसका इलाज करें, हॉस्पिटलों को बनाएं, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का इंतजाम करें। पूरे देश में आकार मचा हुआ है, हम अपना शांति से यहाँ बैठे, हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। जब सरकार बातचीत करना चाहेगी, हम जब सरकार से बात कर लेंगे। अभी अपने हॉस्पिटलों पर ध्यान दे सरकार। जिस कॉरपोरेट के खिलाफ आपकी लड़ाई है, इस कोरोना काल में देखने को उसका एक रूप और मिला है कि सरकारें लंबे समय से, किसी की भी सरकार रही हो, स्वास्थ्य, ग्रामीण, चिकित्सा और शिक्षा पे बजट खत्म करती रही, उसको घटाती रही, जिससे सरकारी अस्पताल और स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए। आज भी वही स्थिति है, लेकिन वर्तमान में ये तमाम शिकायतें आ रही है कि प्राइवेट जो निजी अस्पताल है उनको लूट की छूट मिली हुई है, 5 लाख रुपए एडवांस में जमा कराते हैं, कोरोना का इलाज अगर होता है तो वो 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक दिल्ली NCR में होता है, तमाम उपकरण छोटे जो शहरों में है उसी इलाज के वो 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं। सरकारी सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, लेकिन सरकार अभी उसको मान नहीं रही है। सरकार ने एक पैकेज बनाया है कि 50,000 करोड़ रुपए का लोन सस्ती रियायती दरों पे निजी अस्पतालों को देंगे। अगर यही काम सरकारी अस्पतालों के लिए किया जाता तो इसका क्या लाभ होता, और जिस तरह से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसके इफेक्ट आप देख चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? सरकारी हॉस्पिटलों को ये फंड देते, वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें डॉक्टर को बैठाते, वहाँ पर दवाई देते, तो ये देश बचता, गरीब आदमी अपना इलाज करवा लेता। आज सारा प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट के सिवा कुछ नहीं है, डॉक्टर बच के जाते हैं, लेकिन उनको पैसा चाहिए। पूरी जनता से जो पैसा है कोरोना के नाम पे वो खाली करवा लिया,
एक बड़ा षड्यंत्र है। सरकारी हॉस्पिटल हमारे सरकारी डॉक्टर उसके इंतजाम करना चाहिए था, उतना फंड उन पर हम लगाते तो उससे ज्यादा फायदा हो जाता। और बहुत जगह जहां प्रेशर देके काम करवाए हैं वहां पे काम चल रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 सिलेंडर एक का गांव में अगर दे दिए तो उससे बहुत लोगों की जान बची। यहाँ पे जो सिख समुदाय है, इंटरनेशनल खालसा के माध्यम से जो यहाँ पे गाजियाबाद में लंगर चला गया ऑक्सीजन का, उससे कई हजार लोगों की जान यहाँ पे बची। संयुक्त मोर्चे उनका धन्यवाद कर रहा, उनके साथ में हमेशा रहता है। जब जब पुलिस उनको तंग करती थी तो किसान संगठन वहां पर खड़ा हुआ, और आज यही सरकारें यही अधिकारी उसकी तारीफ कर रहे। आज उनको पूर्ण रूप से वे फैसिलिटी अवेलेबल करवाई। अगर वो पहले से ही करवा देते तो बहुत लोग ऐसा है कि जो इसमें योगदान दे सकते हैं। बहुत जगह हमने अपने सिलेंडर भिजवाए तो उन सिलेंडरों से लोगों की जान बची है। तो ऑक्सीजन पर हमको काम करना चाहिए, दवाइयों पर हमको काम करना चाहिए, और जो रूलर पे जो हॉस्पिटलों की बिल्डिंग पड़ी है उनको ठीक करके वहां पर हमको काम करना चाहिए। आपदा के समय चाहे कोई सरकार हो, अगर हमारे आसपास या कहीं भी दुनिया में कोई आपदा आती है तो सरकारें एक दूसरे की मदद करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारी तस्वीरें और खबरें इस तरह की आ रही कि मदद करने वालों पर ही मुकदमा लिखा जा रहा, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो या किसी राजनीतिक दल के लोग हो, उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ करती है, उनकी एम्बुलेंस बंद कर दी जाती है और तमाम ऐसी दिक्कतें पैदा की जाती है, उन पर ऑक्सीजन स्टोरेज के मुकदमे लगते हैं। तो इस पर सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा ये है कि लोगों को मरने दो। ये हो सकता है किसी दवाई का ट्रायल हो रहा हो, ये समझ में नहीं आ कि लोग मर रहे हैं और सरकार पूर्ण रूप से चुप है। लोगों को मरने के लिए छोड़ दे, अगर कोई मदद करता है तो उसे कहे कि ना इसकी मदद मत कर, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। तो पहली बार देखने को मिला, तो इसका जनता ही इसका जवाब देगी पूर्ण रूप से, कौन लोग उनकी मदद कर रहे हैं, कौन लोग अपने घरों में बैठे हैं। जितने भी लीडर्स हैं वो कोई सड़कों पर नहीं है, कोई बातचीत नहीं करना चाहता, कोई अपने लोगों की मदद नहीं करना चाहता। गरीब आदमी अपने मरीज को लेके और हॉस्पिटलों की ठोकरें खाता फिरता है, उसको कोई इलाज नहीं मिलता। तो यह कि सरकारों को शर्म आनी चाहिए और भारत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। धन्यवाद।